फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 10 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फुल बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से फॉर्मुलेज आपको स्टडी करने हैं और उन फॉर्मुले के बेस पर आपके क्वेश्चन कौन से अराइज हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों को हम इस सिंगल वीडियो में कवरअप करेंगे और देन फर्दर वीडियो में हम आर डी शर्मा की एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं। द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, द सेकंड इज सेक्शन फॉर्मूला, द थर्ड वन इज मिड पॉइंट फॉर्मूला और देन फोर्थ इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। इस चैप्टर में आपका एक टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपका टॉपिक डिलीट हो गया फोर्थ सेशन 2022-23 के लिए, तो जिस करके उस टॉपिक को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं इन चारों टॉपिक्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा और इस टॉपिक के ब्याह पर आपके कौन से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला आपका कब यूज होगा। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, सपोज आपको एक पॉइंट दे रखा है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, एक अनदर पॉइंट है हमारा बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2 और आपको बोला जाएगा कि इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला हमारा क्या है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो भी यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे तो x2 माइनस x1 करेंगे देन उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल अंडर रूट। यहाँ से आप क्या करोगे, इन दोनों के पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के बेस पे आपके कौन से क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है कि आपको तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे और आपको वो बताना है कि दे आर कोलिनियर और नॉट। और कोलिनियर के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को एक लाइन में ड्रॉ कर देना है ए बी और सी। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 और y1, इसके आपके कोऑर्डिनेट्स है x2 और y2 और इसके कोऑर्डिनेट्स है x3 और y3। देन आपने क्या करना है, ए बी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और दोनों को ऐड करके देखना है कि क्या वो ए सी के डिस्टेंस के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ए बी का डिस्टेंस और बी सी का डिस्टेंस दोनों को सम करके अगर ए सी के डिस्टेंस के बराबर आता है देन हम कह सकते हैं कि दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर वो नहीं आ रहा डायरेक्टली आप लिख दोगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस फॉर्मूला, द फर्स्ट वन इज कोलिनियर। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ट्रायंगल के हिसाब से कि प्रूफ कीजिए कि वो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा नहीं बना रहा। और आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। तो सपोज आपको यहाँ पर दे रखा है एक ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर आपको ए बी सी के तीनों कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए बी फाइंड आउट करना है, बी सी फाइंड आउट करना है और सी ए फाइंड आउट करना है और देखना है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल, देन वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एनी टू साइड का डिस्टेंस क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूव करने के लिए, और आपको बताएगी राइट एंगल ट्रायंगल आपका कब बनता है, जब वो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को क्या करे, होल्ड करे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज आपको एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, तो यहाँ पर मैं रफली एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। आपको यहाँ पर नहीं पता होगा कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज है, कौन सी साइड प्रोपेंडिकुलर है, कौन सी बेस, तो डायरेक्टली आपने पहले क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को ए बी सी लेट कर लेना है और ए बी के डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन आपने बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और देन ए सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और देन आपने तीनों का डिस्टेंस का स्क्वायर कर देना है और देन देखना है कि एनी टू साइड के स्क्वायर का सम अगर थर्ड साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है देन यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि दे आर राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज वो पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। और आपको बताया कि पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है, जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो। तो देन आपको अगर कभी पूछा जाए पेपर में कि ये ट्रायंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो देन आपने डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को होल्ड करके आना है और प्रूव करके आना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइज हो सकता है क्वाड्रिलेटरल पर, आपको चार कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और आपको बताना होगा कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल बना रहा है।
या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो रेक्टेंगल, या तो रोम्बस, या तो पैरेललोग्राम, या फिर नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर स्क्वायर प्रूव करने के लिए बोलेगा तो आपको बताएगी स्क्वायर के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, चारों साइड आपकी बराबर होनी चाहिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और डायगनल भी हमारे क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बिकॉज आपको बताया कि स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल और डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। फॉर रेक्टेंगल के लिए आपकी अपोजिट साइज क्या होंगी, बराबर, और डायगनल्स आर ऑल्सो इक्वल। रोम्बस के लिए ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। पैरेललोग्राम के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगनल्स आर नॉट इक्वल। तो अगर पेपर में आता है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल, देन आपको ये सारे डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करके आना है, और देन देखना है कि वो कौन से रिलेशन को होल्ड कर रहा है, जिससे वो पता चल सके कि वो आइदर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, या पैरेललोग्राम, या फिर नो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये आपके क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्टेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मतलब एक लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना, आइदर वो इक्वली डिवाइड करेगा या फिर कुछ पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखे है ए बी, ए के कॉर्नर दे रखे हैं एक्स वन और वाई वन, बी के कॉर्नर दे रखे हैं एक्स टू और वाई टू। सपोज एक अनदर पॉइंट है सी जो ए बी लाइन सेगमेंट के बीच में लाई कर रहे हैं, जिसके कॉर्नर्स क्या है, कैपिटल एक्स और वाई। ये सी क्या करेगा, ए बी को डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ एम वन रेशो एम टू। बिकॉज हमें ये नहीं पता कि वो इक्वली डिवाइड कर रहे हैं या फिर वो वन रेशो टू, टू रेशो थ्री, थ्री रेशो फोर, किस पर्टिकुलर रेशो में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो इस करके हमने वहाँ पर क्या लेट कर लिया कि एम वन रेशो एम टू, और सी क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट है जो ए बी के बीच में लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको इस सेक्शन फॉर्मूला पे तीन टाइप के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। सबसे पहले ये दो गिवन होंगे, रेशो आपको गिवन होगा और आपको कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना होगा। तो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालने के लिए डायरेक्टली आपको यहां पर फॉर्मूला सिखाया जाएगा, और वो फॉर्मूला क्या है तो आप ये देखिए, एक्स निकालने के लिए आपने यहां पर फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्स टू जब लिखोगे उसको एम वन से मल्टीप्लाई करना है, एक्स वन को आपने एम टू से मल्टीप्लाई करना है, होल डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। कैपिटल वाई निकालने के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है एम टू एम वन प्लस वाई वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। इससे आपके क्या निकलेंगे, सी के कोऑर्डिनेट्स आपके निकल जाएंगे जो ए बी को डिवाइड करेगा पर्टिकुलर रेशियो में। ये तो हो गया आपका सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला, जब आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और रेशियो आपको गिवन होगा। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो सकता है कि आपको ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और सी आपका एक पॉइंट आइदर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा या फिर वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और आपको यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है। तो वो बोले क्वेश्चन हम फर्दर जब एक्सरसाइज करेंगे तब सीखेंगे। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि यहाँ पर आपको रेशियो गिवन होगा, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, बी कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा, और ये आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना होगा। तो ये वाले टाइप के क्वेश्चन भी हम फर्दर जब एक्सरसाइज करेंगे, जब पूरे आर डी शर्मा के क्वेश्चन करेंगे, तब ये सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला और टॉपिक आपको समझा रहा हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर आपके टॉपिक अराइज होंगे। अब सेक्शन फॉर्मूला से ही हमने मिड पॉइंट फॉर्मूले को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला कब बनता है, जब रेशो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तभी वो हमारा सेक्शन फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला मतलब एम वन रेशो एम टू हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वन रेशो वन में, इक्वली डिवाइड करे। तो अगर मेरा एम वन एम टू वन रेशो वन है तो डायरेक्टली मैं एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू, और y आप निकाल सकते हो y1 वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो इसलिए याद रखना, मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला से ही ड्राइव हुआ है। जब आपका रेशो क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा, जब वो बीच में इक्वल डिस्टेंस पे लाई करेगा तब आपका रेशो वन रेशो वन हो जाएगा, और m1 m2 आपका क्या बन जाएगा, वन वन, जिससे हमारा वही फॉर्मूला आगे कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ x1 वन प्लस एक्स टू डिवाइडेड बाई टू और y1 वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपका हो गया थर्ड फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रोइड टर्म आपका यूज कब होता है। सपोज आपको एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, और ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं एक्स वन और वाई वन, बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं एक्स टू वाई टू, और सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स थ्री वाई थ्री।
मैंने क्या किया यहाँ पर, ए वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ कर दी जो बी सी पे लाई कर रहा है डी पॉइंट पर, एक बी से मैंने एक मीडियन ड्रॉ कर दी जो ए सी पे लाई कर रहा है ई पर, और सी से एक मीडियन ड्रॉ करी जो ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट एफ पर। तो मतलब एक ट्राइंगल में आपको बताया कि हम मैक्सिमम तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, और तीनों जो मीडियन ड्रॉ हो रही है तीनों का जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है वो हमारा कॉमन है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया जी। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल मतलब जब थ्री मीडियन अगर आपके ट्रायंगल में ड्रॉ होंगे तो तीनों मीडियन का जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल बोलेंगे। और इस जी के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए पेपर में आ सकते हैं कि अगर आपको x1 y1 गिवन हो, x2 y2 गिवन हो और x3 y3 गिवन हो, तो आपको इस जी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए पेपर में बोलेगा। तो यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ कि जी के आप कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे। ए बी सी के जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स को आपने ऐड करना है और थ्री से डिवाइड कर देना है, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री होल डिवाइडेड बाय थ्री। तो ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया फोर, जब आपको तीन मीडियन ड्रॉ हो रही होंगी और आपके एक ट्रायंगल में अगर कॉमन आपको एक सेंटर का पॉइंट आपको निकालने के लिए बोला जाएगा, देन आप इस फॉर्मूले को यूज़ कीजिए और सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कीजिए। और इसमें एक और चीज़ आपको एक क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि मीडियन अपने आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऑलवेज टू रेशो वन में, मतलब ए जी रेशो जी डी आपका कितना आएगा, टू रेशो वन आएगा, जिससे आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। बिकॉज ए जी रेशो जी डी आपको टू रेशो वन मिल गया, डी क्या है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और देन ए और डी में हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स को ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए नहीं आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू पुटअप करने के लिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है, बिकॉज फॉर्मूला ड्राइव करना आपका 11 क्लास में आएगा क्वेश्चन, तो इस करके यहाँ पर आपको सिर्फ इसको अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये थे आपके फोर टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। इस टॉपिक पे आपके काफ़ी क्वेश्चन है जो आर डी शर्मा में दे रखे हैं, एक्सरसाइज 6.1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कल आपको एक्सरसाइज 6.2 मिल जाएगी जो आपकी बेस्ड है डिस्टेंस फॉर्मूला पे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और फर्दर वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।